और मैं ऐसा मानता हूं साथियों, जाति, बिरादरी, धर्म, भाषा, प्रांत, इन सबको, इस सबके जहर को अगर कोई तोड़ सकता है तो दो बातें तोड़ सकती हैं, पहली जवानी और दूसरी किसानी। ये देश में, राजस्थान में 70% जनता 35-40 साल से कम है और जवान की कोई जाति नहीं होती, उसको भविष्य की चिंता है, उसमें देशभक्ति के भाव हैं, वो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। और किसान जो धरती माँ का पेट फाड़कर अनाज पैदा करता है, पूरे देश का पेट पालता है, उसी को जाति नहीं है। हम मंडी में जाके खड़े हो जाएं और गेहूं बाजरा हाथ में ले लें, हमको नहीं पता ये गेहूं किसने पैदा किया है, वो किस बिरादरी, किस समाज का, किस जाति का है। जो अनाज पैदा करता है वो किसान है। इसलिए साथियों, इस जहर को खत्म करने के लिए हम लोगों को एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा। नौजवानों का भविष्य इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नौजवानों के लिए हमने हमेशा संघर्ष किया है। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, हमने भाजपा की सरकार को बहुत चुनौती दी और मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूं, आप लगातार प्रदेश में मीटिंगें कर रहे हो, आप कहते हो हम जन आक्रोश की मीटिंग कर रहे हैं, अरे आंख खोल के देख लो, जनता यहां बैठी है, तुम अकेले आक्रोश करते रहो। ये सब लोग झूठे सपने दिखाकर, पाखंड कर, भावना को भड़काकर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट लेना जानते हैं। अपने आप को बहुत बड़े राम भक्त बुलाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप इतने राम भक्त, इतने बड़े हैं, सबसे ज्यादा राम राम साधो मैं बोलता हूं। ये सब लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि हम प्रचार करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, सपने दिखाएंगे, लेकिन काट की हांडी बार बार